गुड आफ्टरनून बच्चे लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो क्लास है आपका जावा के अंतर्गत, टॉपिक है क्लास। तो व्हाट इज क्लास? देखिए अब आपको ज्यादा टाइम पर बात करने नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ बेसिक ओवरव्यू में याद दिलाने जा रहा हूँ व्हाट इज क्लास। तो क्लास क्या होता है? आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है उसका क्लास। क्लास क्या कहता है कि देखो, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में देखोगे ना तो तुमको सबसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। हमारे रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि आप क्लास और ऑब्जेक्ट से जोड़ के नहीं दे सकते हो। हर चीज क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग आदमी, हम लोग क्या कहते हैं आदमी, ह्यूमन बींग। उसके बाद क्या कहते हो मैन, तो मैन कहते हो। तो क्या कभी देखे हो वेयर इज मैन? ध्यान से देखना, वेयर इज मैन? नथिंग, हो ही नहीं सकता है, कहीं आपको मैन दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज मैन इज ए क्लास। अब मैन का एक ऑब्जेक्ट आपको जरूर नजर आ सकता है, रौनक नजर आ सकता है, राजा नजर आ सकता है, आपका कोई पड़ोसी नजर आ सकता है। तो इट इज ए ऑब्जेक्ट। तो कहता क्या है कि एक डिफिनेशन है क्लास का, एक डिफिनेशन है। जैसे कि मैन में क्या क्या होना चाहिए ये हमें आज तक पता है कि अगर भैया ऐसा ऐसा चीज दिख रहा है तो इट इज कॉल्ड मैन, अगर ऐसा ऐसा चीज दिख रहा है तो इट इज कॉल्ड वुमेन, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इट इज बॉय, अगर ये सारे गुणे मिल रहे हैं तो दिस इज डॉग। तो हमें बचपन से सीखा है कि ये सारी प्रॉपर्टी अगर इसमें है तो ये डॉग है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी है तो ये मोटरसाइकिल है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी इसमें है, लुक ऐसा है, कलर ऐसा है, मतलब सारी प्रॉपर्टीज में जानता हूँ किसी चीजों का बिहेवियर जानता हूँ। कोई ऐसे बिहेव कर रहा है इट मीन्स इट इज ए ह्यूमन बींग, कोई ऐसे बिहेव कर रहा है इट मीन्स इट क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर के बिहेवियर को देख के बता सकते हैं इट्स अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उसके स्पेसिफिक काम है सुरक्षा करना, तो वो इट्स अ पुलिस ऑफिसर। अब देख के ही बता सकते हो जब बम फोड़ रहा होगा कोई आतंकवादी तो इट्स जब आतंकवादी। तो कहानी क्या है, बिहेवियर को देख करके भी आप बता सकते हो किसी का नेचर देख करके कि क्या है ये, किस क्लास से बिलोंग करता है। तो मुद्दा दो ही होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या है, ये किसी चीज को क्लासिफाइड करने का काम है, डिफिनेशन होता है इसके पार, और उस डिफिनेशन के आधार पे एक ऑब्जेक्ट बनता है। वो ऑब्जेक्ट हूबहू वैसा ही होता है जैसा कि तुम्हारा वो क्लास डिफाइन करने के लिए डिफाइन करके हम लोग डिफिनेशन उसका कंटेन करके रखते हैं। तो क्लास सिंपली व्हाट इज ए क्लास, क्लास कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, प्रोग्रामेटिकली अगर मैं बोलूं तो कहेगा क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डिसिमिलर डेटा टाइप, सो इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस डेटा टाइप। ओके, ये प्रोग्रामेटिकली था, तो C++ से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा इसका पूरा डिफिनेशन इसके अंदर होता है। क्लास इज नॉट वर्किंग एंटिटी, जैसे मैंने बताया कि मेन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मेन का एक ऑब्जेक्ट जो वर्किंग एंटिटी होता है रौनक मिल सकता है आपको। ओके, तो क्लास इज ए नॉन वर्किंग एंटिटी। हाउ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बोलो या कंस्ट्रक्टेड बोलो, इज डिफाइंड इन द क्लास। एक ऑब्जेक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होगा ये डिफाइन किया गया है किसके अंदर, क्लास के अंदर। क्लास इज डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड क्लास इन जावा, एवरी मेंबर इज बाय डिफॉल्ट डिफाइंड एज डिफॉल्ट। जावा के अंदर आप कुछ भी, कोई भी मेंबर हो, उसका डाटा मेंबर हो, मेंबर फंक्शन हो, फील्ड हो, मेथड हो, या कुछ भी हो, जो भी आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप उसको छोड़ते हैं एक्सेस स्पेसिफायर लगाना तो बाय डिफॉल्ट उसका जो है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर ले लेगा। बाकी एक्सेस स्पेसिफायर का क्लास मैं आपको आगे अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा कंप्लीटली। उसका कहता है जनरली वी कैन से क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड एंड मेथड। हम जनरली कह सकते हैं क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड एंड मेथड। ओके, अब कहानी ये याद रखना कि क्लास और मेथड का जो है ना, क्लास में जो है मेथड और फील्ड का जो है बड़ा क्या कहें मैचिंग उसी दोनों पर है। जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके चलता है। अब वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सारा कॉन्सेप्ट हम अचीव करते हैं ना, वो क्लास और ऑब्जेक्ट के ही संदर्भ में है। जैसे सबसे पहला चीज देखो कि अगर हम बोलते हैं मेथड और फील्ड क्लास के अंदर होता है मेनली, तो कहता है ये होता क्या है, डाटा मेंबर को हाइड कर रखते हैं और अगर हम कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो हम किसकी जरूरत है उसके लिए, मेथड की। तो मेथड को हम पब्लिकली छोड़ देते हैं कि ताकि आप जो है दूसरे से कम्युनिकेट कर सको, मतलब क्लास या ऑब्जेक्ट जो है किसी से कम्युनिकेट कर सके, मतलब डाटा ले सके, डाटा दे सके,
और उसके इंटरनली जो ऑर्गेन्स होंगे, जैसे इंटरनली जो उसके जो भी डाटा मेंबर्स होंगे, फील्ड्स होंगे, हम उसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं ताकि कोई पब्लिक उसको यूज ना कर सके, डायरेक्टली उसको ना देख सके, बस होंगे। तो ये है डाटा हाइडिंग का भी केस, इनकैप्सुलेशन भी इसी से एक्टिवेट होता है, दोनों चीज। तो कहानी यही है कि क्लास जो है जनरली क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड मेथड। ओके, जहां पे फील्ड का इस्तेमाल होता है डाटा को रखने के लिए, मतलब स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बेसिकली रखता है, और मेथड जो है बिहेवियर डिफाइन करता है कि वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, मतलब डाटा लेगा या डाटा देगा। बट इन जावा क्लास कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग, लेकिन कहता है जावा में जो है ना सिर्फ फील्ड और मेथड ही नहीं होता है, कुछ और भी चीजें होती है क्लास के अंदर। तो कौन कौन चीज होती है वो सारी एक बार हम सरसरी निगाह में देख के चलते हैं, फिर बाकी इन सारी चीजों का नटबोल्ट आगे खुलेगा डिप में। पहला होता है एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक। अगर आप जावा के अंदर कोई भी ब्लॉक बना देते हैं बिना कुछ लिखे हुए, बिना करली को खोल कुछ लिखे, करली खोले, करली बंद किए, इट मींस इट इज ए नॉन स्टैटिक ब्लॉक। अगर आप स्टैटिक लिख के करली खोल देते हैं, करली बंद कर देते हैं, इट मींस इट इज ए स्टैटिक ब्लॉक। अब ये दो ब्लॉक का यूज क्या है, जावा में बड़ा जबरदस्त यूज होता है दोनों का। अगर तुम चाहते हो कि क्लास लोड होते ही कोई कोड एग्जीक्यूट कर जाए तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिख दो। अगर तुम चाहते हो कि कोई ऐसा कोड है जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तब तब उसको एग्जीक्यूट होना है तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिख दो। मतलब स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है जब क्लास मेमोरी में लोड होता है। नॉन स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि तब एग्जीक्यूट करता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मतलब जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अगला होता है फील्ड। इन जावा फील्ड आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इट इज सेम एज डाटा मेंबर ऑफ C++। फील्ड्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, कभी कभी क्लास से भी रिलेटेड हो सकता है। इन जावा ऑल फील्ड आर इनिशियलाइज विथ देयर डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन इट्स मेमोरी इज एलोकेटेड। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर ये काम करता है, इसलिए कहते हैं ऑटोमेटिकली कर लेता है। जब तक तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो इंस्टेंस वेरिएबल जितने भी होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल होंगे, क्लास से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल होंगे, वो सब बाय डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है। व्हेन ए फील्ड इज डिक्लेयर विथ आउट व्हेन ए फील्ड इज डिक्लेयर विद आउट कीवर्ड स्टैटिक कीवर्ड, देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। जब बिना स्टैटिक कीवर्ड लगाए किसी वेरिएबल को आप बना रहे हो तो उसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। बात समझ गए, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वेरिएबल। तो मेमोरी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज एलोकेटेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अभी हम इसको प्रोग्रामेटिकली आपको समझाएंगे, थोड़ा देखिएगा उसको डायग्राम को। कहता है जब भी इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है, जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सब ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेपरेटली मेमोरी क्रिएट करता है। बात समझ गए। उसका कहता है स्टैटिक फील्ड, व्हेन ए फील्ड इज क्रिएटेड विद कीवर्ड स्टैटिक देन इट इज कॉल्ड क्लास वेरिएबल। जब स्टैटिक लगा देते हो फील्ड डिक्लेरेशन के समय में तब इसको कहते हैं क्लास वेरिएबल। इन जावा मेमोरी ऑफ क्लास वेरिएबल इज एलोकेटेड व्हेन क्लास इज लोडेड इनटू द मेमोरी। जब क्लास मेमोरी में लोड हो रहा होता है उसी समय में ये बन जाता है। दिस मेमोरी इज एक्सेस्ड बाय ऑल इट्स क्लास ऑब्जेक्ट, सो इन जावा इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। दिस मेमोरी इज एक्सेस्ड बाय ऑल इट्स क्लास ऑब्जेक्ट, ऑल इट्स क्लास ऑब्जेक्ट एंड विथ क्लास। कहता है दिस मेमोरी जो होता है ना क्लास वेरिएबल का इज एक्सेस बाय ऑल इट्स, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके द्वारा क्या किए जा सकते हैं, एक्सेस किए जा सकते हैं, एक्चुअली शेयर किया जाता है। ये मेमोरी एक ही बार बनता है। दिस मेमोरी इज एक्सेस बाय ऑल इट्स क्लास ऑब्जेक्ट एंड विथ क्लास, और क्लास भी इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। मतलब ये जो होता है सो इन जावा इट इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। कहता है क्योंकि ये सबके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, 75, 70, 75, 100, 200 उस क्लास का जितना भी तुम ऑब्जेक्ट बना दोगे ना, उस सब ऑब्जेक्ट के द्वारा इस वेरिएबल को, जो क्लास वेरिएबल है उसको एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है। अगर समझते हो ग्लोबलाइजेशन का, तो ग्लोबलाइजेशन का जो मतलब है वो सिर्फ यही है, ग्लोबल वेरिएबल जावा में सिर्फ और सिर्फ यही होता है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्लास वेरिएबल, और क्लास वेरिएबल को क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर किया जाता है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। बात समझ गए।
C++ के जैसा नहीं है कि किसी भी मेथड उठ सबसे बाहर बना दिए तो ग्लोबल हो जाता है, बात समझिए ना, क्योंकि यहाँ तो आप क्लास से बाहर कुछ भी डिक्लेयर कर ही नहीं सकते हो, तो जो भी डिक्लेरेशन होगा इनसाइड द क्लास होगा। तो इनसाइड द क्लास ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि जो तुम्हारा क्लास वेरिएबल होगा वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर किया जा सकता है, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं क्या, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, अब एक कहानी आता है, जब हम लोग जान गए इंस्टेंस वेरिएबल, और जब अपन लोग समझ गए व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड व्हाट इज क्लास वेरिएबल, तो एक चीज बचता है, वो भी यही ना खत्म कर लें, क्यों ना खत्म कर लें, कहता है ये है यहाँ पर लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल कभी भी बनेगा तो कहाँ बनेगा, डायरेक्टली क्लास के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर ये नहीं होता है, ये डायरेक्टली क्लास के अंदर होता है, ये क्लास के अंदर किसी दूसरे ब्लॉक में नहीं हो सकता है, ये जब भी होगा तो डायरेक्टली इनसाइड द क्लास ब्लॉक। ओके, लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल है ना, लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कहता है कि क्लास के अंदर डायरेक्टली नहीं होके किसी अदर ब्लॉक में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इट मीन्स इट्स अ लोकल वेरिएबल, मत समझ गए, क्लास के अंदर छोड़ के कहीं और डालोगे, डिक्लेरेशन करते हो मेथड का, सॉरी वेरिएबल का, तो सभी वेरिएबल को हम लोग उस केस में क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। चाहे तुम कंस्ट्रक्टर के अंदर बना लो, चाहे तुम मेथड के अंदर बना लो, चाहे तुम ब्लॉक के अंदर बना लो, चाहे तुम इफ एल्स के अंदर बनाओ, जिसके अंदर बनाना है बनाओ, लेकिन वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। इन जावा व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड एनी ब्लॉक एक्सेप्ट क्लास डायरेक्टली देन इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल इज सेम एज इट्स ब्लॉक एंड इट इज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द ब्लॉक, और ये सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, कहीं और नहीं एक्सेसिबल होगा। ओके, अगला कहता है तुम्हारा जो टेक्न थ्योरी है वो है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का। हम लोग कंस्ट्रक्टर प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लेकिन जब व्हाट इज क्लास लिखने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर का जिक्र तो करना जरूरी है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर, में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इन जावा कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज डिफाइंड विद द नेम ऑफ क्लास, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन जावा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड विद न्यू कीवर्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन, वी कैन नॉट इनवोक कंस्ट्रक्टर मैनुअली, इट इज ऑलवेज नॉन स्टैटिक, ये कभी भी एस्थेटिक नहीं होगा। बाकी तो पूरा का पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, आपको जितना मन करे आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है एक्चुअली यहाँ पर है व्हाट इज क्लास, तो उस क्लास के अंदर हम पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर वही पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर बड़ा हो जाएगा कंस्ट्रक्टर का, जो है मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको देख लेंगे अगर दिक्कत हो तो। मेथड्स फिर वही कहानी है, मेथड अपने आप में पूरा चैप्टर है लेकिन क्लास के अंदर है, इसलिए मैं इसको एक लाइन में फिर से पढ़ूंगा और एक लाइन में लिखूंगा भी। मेथड, methods are block of code that is written for a specific task, method define the behavior of class means how object is communicated with other is defined inside the method, it can be static or non static, ek jo method hai wo aapka static ho sakta hai aur non static ho sakta hai, bas dhyan yahi rakhna hai ki static jo bhi hota hai wo aapko kya hota hai, wo jab bhi call hoga, static jab bhi hoga to wo dono ke sath call ho sakta hai, class ke sath dot laga ke call kar lijiye, ya nahi to aap chahte hain object ke sath dot laga ke call karna to wo bhi kar lijiye, क्योंकि जो एस्थेटिक होता है वो क्लास का ही प्रॉपर्टी होता है, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल होता है और क्लास के भी साथ कॉल होता है, लेकिन अगर नॉन एस्थेटिक होगा तो कभी भी जो वो होगा बिलोंग करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करता है तुम्हारे ऑब्जेक्ट से, इसलिए उसको किसी भी सूरत में आपको कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो कभी भी कॉल होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, बात समझ गए। कुछ चीजें नोट्स के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ याद करने के लिए, जो है ना ये सब भूले हुए तो जावा जो है बार बार फंसेगा। कहता है जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, उसके बाद कहता है एस्टेटिक मेंबर कॉल्ड विथ क्लास और ऑब्जेक्ट, एस्टेटिक मेंबर जो होता है वो क्लास के साथ भी कॉल हो सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल हो सकता है, एस्टेटिक मेंबर कॉल्ड ऑलवेज विथ ऑब्जेक्ट ओनली, ये जब भी कॉल होगा तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ होगा नॉन एस्टेटिक, वी कैन नॉट रेफर ए नॉन एस्टेटिक मेंबर ऑफ क्लास फ्रॉम ए एस्टेटिक ब्लॉक, मतलब किसी भी एस्टेटिक ब्लॉक के अगर कोई भी ब्लॉक है और वो एस्टेटिक है तो उसके अंदर से आप किसी नॉन एस्टेटिक ब्लॉक को मेमोरी को एक्सेस करने के लिए रेफर नहीं कर सकते हैं, जस्ट रिमेम्बर इट ऑलवेज। आप यहां से इस थ्योरी को हटा सकते हैं लेकिन आपको याद रखना होगा। अब ये देखिए दिस इज द, अब मेरा क्योंकि हमने हर चीज ब्रीफली पढ़ लिया तो अब मेरा क्लास यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश होता है कंप्लीटली। अब हमको जो है पता है क्लास एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, हम जानते हैं कि क्लास क्या है, क्लास नेम क्या है, एस्टेटिक कीवर्ड हम जान चुके हैं, एस्टेटिक कीवर्ड लगा करके अगर ब्लॉक बनाए तो ये एस्टेटिक ब्लॉक, नॉन एस्टेटिक ब्लॉक, ये हो गया आपका, ये डिफिनेशन हो गया किसके लिए, वेरिएबल या फील्ड डिक्लेरेशन बोलो या डाटा मेंबर डिक्लेरेशन बोलो, आप जो भी बोलो, ये हो गया ये। उसके बाद ये हो गया आपका मेथड डिक्लेरेशन, मेथड क्या होता है कंप्लीटली मैंने देख चुका है, यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और जितना चीज मैंने अभी यहाँ लिखा है इसके अतिरिक्त इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं होता है।
दिस इज द ऑल अबाउट योर क्लास, एक क्लास के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब अगला कहानी आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज वर्किंग एंटिटी ऑफ क्लास। व्हेन वी क्रिएट एन वेरिएबल ऑफ एनी क्लास देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इन जावा ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड विद न्यू कीवर्ड। ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे तो न्यू कीवर्ड के मदद से इसमें मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। इन जावा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑलवेज, इससे बेहतर रहेगा कि इसमें लिखो इन जावा मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट, एम ई एम ओ आर वाई, मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड विद। मेमोरी की जब मैं बात करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट तो ऐसे भी बन जाता है लेकिन मेमोरी नहीं बनता है, लेकिन अगर मेमोरी बनाना है तो बिना न्यू कीवर्ड का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्टर कॉल किए मेमोरी उसका एलोकेशन नहीं होता है। ऑल ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस टाइप वेरिएबल। जावा में जितना भी ऑब्जेक्ट होता है सब रेफरेंस टाइप वेरिएबल होता है। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज नल। एनी एक्सेसिबल एंटिटी ऑफ क्लास इज कॉल्ड आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग देयर नेम विद डॉट साइन विद ऑब्जेक्ट नेम। अब क्या है, जो भी उसका एक्सेसिबल चीज है ना, ऑब्जेक्ट का जितना भी एक्सेसिबल प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो ऑब्जेक्ट के साथ, तो डॉट साइन के साथ वो क्या होता है, बाहर जाता है। बात समझ गए? तो ये रहा आपका क्लास का कॉन्सेप्ट। अब हम जो है मेथड को अलग से देख चुके हैं, ठीक है। हमने मेथड देख लिया, हमने अलग से कंस्ट्रक्टर देख लिया है। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड को मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें जो बाकी और तीन चीजें बच गई है मैं उस चीजों को यहाँ अभी अभी का अभी खत्म करूंगा। विंडोज और एनओटी नोट पीएपी स्टैटिक को भी मैं थोड़ा जो है ना सिंपली एक उस पर बना दूंगा एक और वीडियो, जो कि आप प्योरली स्टैटिक को चेक कीजिएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको बना देते हैं इसका डाटा मेंबर्स का सारा कहानी जो है। तो कहता है क्लास, क्लास स्टीव, स्टीव एक क्लास बना दिया स्टीव। अब इस क्लास के अंदर हमने फील्ड बनाना है, जैसे कि नेम, स्ट्रिंग टाइप का नेम, strstring, स्ट्रिंग टाइप का nm, नेम, रोल, इंट टाइप का rol, रोल। दो फील्ड से ज्यादा मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लूंगा तो ज्यादा हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं दो लेता हूँ, नाम ले लिया और रोल नंबर ले लिया आपका, ओके। अब पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, पब्लिक बनाना जरूरी है, public, पब्लिक। मैं अपने लिए बनाऊंगा stu, ताकि मैं इजीली कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकूं, पब्लिक stu। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूं नहीं, मैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं मेरे हिसाब से अब इसका डिफॉल्ट बने। तो आप क्या कहते हैं कि nm इक्वल्स टू कर देते हैं, nm इक्वल्स टू कर देता हूं नो नेम, अब डिफॉल्ट वैल्यू होगा नो नेम। और रोल इक्वल्स टू कर देता हूं, रोल इक्वल्स टू कर देता हूं जीरो, रोल नंबर नहीं है। यह हो गया मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगला कहते हैं गेट, गेट डेटा डिटेल, गेट डिटेल को जब कॉल करे पब्लिक public पब्लिक बीवाईडी void गेट डिटेल। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबी इक्वल्स टू न्यू scanner, स्कैनर, इसको दे देते हैं system डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट इन। अब क्या देते हैं system सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट enter इंटर योर रोल, इंटर योर रोल। इसको जो है किस में रखना है, रोल में रखना है, तो rol रोल इक्वल्स टू ओबी डॉट नेक्स्ट int इंट, ओके। उसका क्या कहता है system सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट enter इंटर योर ने। अब कहता है क्या आपको क्या लेना है, एक इसमें जो हमें लेना था अभी वो क्या लेना था, स्ट्रिंग लेना है ना, तो स्ट्रिंग होगा ओबी डॉट स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, तो एन एम इक्वल्स टू ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन होगा, आई थिंक देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन ही होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे आगे। गेट डिटेल, ठीक है, ये हो गया मेरा गेट डिटेल। अब एक मेथड बना लेता हूँ
PUB LIC public. Why? So detail. So detail. तो so detail को जब call करोगे तो क्या हो? दिखा दो. SYSTEM system dot out dot print print system dot out dot print. क्या करो? System dot out dot print. लगा दिया. उसके बाद क्या करता हूँ? SYSTEM system dot out dot print. इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? Name equal to name name slash t value लो कहाँ से? Plus nm से. ओके. उसके बाद नेम हो गया. नेम के बाद प्लस डबल कोट स्लैश एन. ये मेरा डाटा दिख जाएगा. देख लीजिए एक बार फिर से. स्टूडेंट डिटेल स्लैश एन. ओके. एक और स्लैश एन यहाँ भी लगा लो ना, बढ़िया रहेगा. नेम इक्वल टू नेम स्लैश टी NM से वैल्यू लाओ. प्लस डबल कोट में ये गया. डबल कोट यहाँ से यहाँ बंद हुआ. प्लस कोट. ये हो गया आपका सो डिटेल. मैंने गेट डिटेल बना लिया. मैंने सो डिटेल बना लिया. मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया. एक क्या बना लिया मैंने? कंस्ट्रक्टर बना लिया पब्लिक स्ट्यू. एक कंस्ट्रक्टर में और बना देता हूँ आपको पीयूबी पीयूबी एलआईसी पब्लिक एसटीयू 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 जिसमें कि डाटा को सेट करने के लिए मैं बना रहा हूँ. तो सेट करने के लिए मतलब कि ये डाटा भेजो और ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्रिएट हो जाए. तो क्या है? दो तरह का चाहिए था सबको डाटा. एक स्ट्रिंग चाहिए था और एक क्या चाहिए था? इंट चाहिए था. तो पहले ले देते हैं ना, पहले रोल दे देते हैं. तो इंट टाइप का आर और एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग टाइप का आर ओ एल एल स्ट्रिंग टाइप का एन एम. ये दोनों दे दिया मैंने इसे. अब जब इसे दे दिया तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ. इसको देने के बाद जो मेरा कहानी है वो क्या है? nm equals to r o l l role equals to r और उसमें जो है ऊपर में nm है ना. तो nm जो है उस nm और इस nm में कॉन्फ्लिक्ट आ गया. तो अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है तो this dot nm मतलब this होता है क्लास के ऑब्जेक्ट को सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए. मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को अगर आपको क्लास के अंदर से टारगेट करना है तो दिस लगा सकते हैं. क्योंकि मैंने गलती से क्या किया, यहाँ भी एनएम लगा दिया और यहाँ भी एनएम लगा दिया. चलो हटाने के लिए हम इसका नाम बदल देते. लेकिन अगर बदल देते हैं तो फिर आपको एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों का आंसर आना चाहिए आपको. आप ऑलरेडी जानते हैं दिस क्या होता है. नहीं जानते हैं तो आप इसका नाम बदल लीजिएगा. ठीक है? नहीं तो एक अलग चैप्टर में दिस और सुपर के बारे में बनाऊंगा. वो आप अगला बार देखिएगा कभी. यहाँ पे कहता है कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल को टारगेट करना है तो आप लगा सकते हैं दिस डॉट एनएम इक्वल्स टू ये एनएम जो है लोकल है. ये जो है ये लोकल हो गया. तो ये एनएम आप सिर्फ लिख दीजिए ऐसे. सिर्फ लिखने का मतलब सबसे पहले ब्लॉक के अंदर वाले को खोजेगा. दिस डॉट एनएम बराबर एनएम. तो ये हो गया आपका दो कंस्ट्रक्टर. ये हो गए दो आपके मेथड. अब आप फील्ड देखिए. जब आप फील्ड की बात करेंगे तो देखिए सारे के सारे नॉन स्टैटिक फील्ड है. जितने भी फील्ड आप देख रहे हैं सारे के सारे क्या है? नॉन स्टैटिक फील्ड है. तो जो सारे के सारे नॉन स्टैटिक फील्ड है तो मैं अभी आपको स्टैटिक फील्ड के बारे में यहाँ पर नहीं बताया हूँ. मान लीजिए कि सबका क्लास एक जो होगा मतलब इन विच क्लास डू यू रीड, वो किस वर्ग में पढ़ता है, मैं वो क्लास की बात करता हूँ. तो मान लो कि हम एक बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग टाइप का बना लिया सी एल एस सी एल एस स्ट्रिंग टाइप का एक सी एल एस बना लिया और इसको स्टैटिक बना देता हूँ एस टी ए टी आई सी स्टैटिक.
तो ये जो होगा ना, ये जो CLS होगा, ये जो बनेगा अभी आपका मेमोरी, ये जो होगा ये क्लास के लिए होगा, मतलब ये चार बार नहीं बनेगा। अगर इसे किसी एक ऑब्जेक्ट ने चेंज किया तो ये सबके लिए चेंज होगा, बात समझ गए। तो ये हो गया आपका क्लास वेरिएबल, और ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल, और जो ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल, जैसे ये आर, ये NM, ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। तो चलिए अब इस क्लास का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर बनाए हो तो, अगर पब्लिक STU यूज किए हो तो CLS को भी भाई नॉन स्टेटिक के अंदर से स्टेटिक को कॉल किया जा सकता है, नॉन स्टेटिक के अंदर से स्टेटिक को कॉल नहीं किया जा सकता है ये किसी भी सूरत में, इसलिए जो है इसका आप काम नहीं कर सकते हैं अभी। ओके, इसको सेट करने के लिए नॉन स्टेटिक के अंदर से स्टेटिक को कॉल किया जा सकता है। हाँ, उल्टा मैं बोल गया था, अभी स्टेटिक के अंदर से नॉन स्टेटिक कॉल नहीं होता है, लेकिन नॉन स्टेटिक के अंदर से स्टेटिक कॉल हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहें कि CLS की वैल्यू आपको सेट करनी है, तो CLS की वैल्यू मान लो हर के लिए हमको जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं करना है, हम बस सेट करेंगे और गेट और सेट करेंगे पब्लिक STU। एक फंक्शन ही बना लेते हैं, सेट क्लास, सेट क्लास VUBLIC पब्लिक void सेट CLASS क्लास, ये सिर्फ क्लास सेट करेगा STRING स्ट्रिंग, क्योंकि जब सबके लिए है तो भैया इसका इस्तेमाल ध्यान से कीजिएगा ना, ये नहीं कि मेरी वजह से सबका डाटा बदल जाए, स्पेशली जब सबका डाटा बदलना है तभी इसका यूज कीजिएगा। कहता है सेट क्लास स्ट्रिंग टाइप का NM डाल दिया मैंने, स्ट्रिंग टाइप का CL डाल दिया। अब कहता है किसको सेट करना है भैया, CLS लिखा हुआ है उसमें, CLS इक्वल्स टू क्या कर देना, CL कर देना। अब क्या है ना, देखते समय तो हम चाहिएगा हमको सबका क्लास, मांगते समय हम किसी का क्लास नहीं मांग रहे हैं, शेयर करने कह रहे हैं, लेकिन दिखाते समय कह रहे हैं भैया स्कैनर, ये गेट डिटेल हो गया, सो डिटेल है ना, इसमें हम कह रहे हैं कि तुमको क्लास भी दिखाना है, किसका क्लास क्या है, प्लस CLASS क्लास /T कॉलन डबल कोट और प्लस CLS, ये लीजिए कंट्रोल S, सेव कर दिया मैंने इसे, इसको जो मैं सेव करूंगा तो इसका जो नाम है वो अभी मैं भूल गया हूँ, क्लास का नाम क्या दिया हूँ, पब्लिक शो गेट STU है। ओके, ये हो गया आपको क्लास STU मैंने बना लिया, इतना सारा कोड इसमें कर दिया, दो मेथड बना लिए, दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, स्टैटिक फील्ड भी बना लिया, नॉन स्टैटिक फील्ड भी बना लिया। ओके, जब इतना चीज बना लिया तब अब इसको अब लोग हम लोग डेमो के जरिए देखते हैं। तो कहते हैं CLASS क्लास TEST टेस्ट CLASS क्लास STU क्लास को क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब बनाएंगे PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक VOID void MAIN में STRING स्ट्रिंग टाइप का ARGSR, ये खुला ये बंद हुआ ये बंद हुआ, हमने एक STU बनाया है, STU तो STU का एक ऑब्जेक्ट बनाया OB1 इक्वल टू न्यू STU, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके बनाया, एक बनाता हूँ STU, देखो STU का S कैपिटल है तो यहाँ भी S जो है वो कैपिटल होगा, इसीलिए कहते हैं कि इसका नेमिंग कॉन्वेंशन याद रखोगे तो कभी फंसोगे ही नहीं। OB1 इक्वल टू न्यू STU, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर STU का OB2 इक्वल टू न्यू STU सेट द नेम, मतलब पहले रोल नंबर मांगा है ना, तो रोल नंबर हम दे देते हैं मान लो 43, ठीक है, और नाम मान लो हम दे देते हैं RONA के रौनक कुमार और SINGA सिंह, नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये दोनों हो गया मेरा, बात है क्या, अभी हमने सेट नहीं किया है क्लास को, तो सेट क्लास को कॉल कर दो ना, सेट क्लास CLASS क्लास, सेट क्लास और डाटा भेज दो इसमें BCA 1, सेट क्लास में इसमें मैंने दे दिया BCA 1। तो ये हो गया आपको सेट क्लास के जरिए। अब देखते हैं OB1 बना, इस सब देखो क्योंकि ग्लोबलाइज है तो इस सब का जो क्लास है एक के बार में सेट हो जाएगा BCA1,
चाहे OB1 हो या OB2 हो, OB3 हो, जिसका भी देखोगे और चेंज जब भी करोगे सब चेंज हो जाएगा, ये भी याद रखना। लेकिन देखना सेट क्लास को कॉल कर रहे हो तो सेट क्लास को भी तो कॉल करने के लिए ना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सेट क्लास भी तो कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ होगा। सेट क्लास भी किसके साथ कॉल होगा? ऑब्जेक्ट के साथ होगा ना। लेकिन अगर हम इसको स्टैटिक बनाना चाहें तो स्टैटिक भी बना देते हैं, चलो सेट क्लास का भी बेहतर रहेगा। पब्लिक स्टैटिक, STATIC, चलो इसमें इस बहाने जो है स्टैटिक भी टेस्ट हो गया। स्टैटिक मतलब अब इसको तुम चाहो तो क्लास के साथ ही डायरेक्ट कॉल कर लो ना, ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। STU है ना, STU.setClass, ठीक है, चाहो तो OB1.setClass, चाहो तो OB2.setClass, मतलब दोनों के साथ कॉल होगा क्योंकि वो क्या है नेचर में स्टैटिक है। अब ये तो इन्हें हो गया, OB1 बना लिया मैंने, OB2 बना लिया मैंने, ओके। अब चलिए एक और बना लेता हूं। अब OB1 बना लिया, OB2 बना लिया, तो OB1 में डाटा मांग लेते हैं, तो OB1.getDetail, डिटेल है या डिटेल्स है, डिटेल है, तो गेट डिटेल हो गया। अब सबको दिखा लो, कहता है OB1.showDetail, उसके बाद OB2.showDetail, और कोई बनाए हो, OB1 बनाए हो, OB2 बनाए हो, ओके, OB1.showDetail और OB2.showDetail। और एक चीज देख लेना, एक चीज इसमें हम जो है OB1.showDetail, OB2.showDetail, चलो एक बार देख लेते हैं एक इसका जो है नेक्स्ट, कि तुम्हारा जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट था स्टैटिक वेरिएबल वाला, तो वो देखते हैं। अब कहते हैं कॉल कर लो OB1 का जो है ना, OB2 का जो है ना सेट कर दो क्लास, सेट CLA क्लास, इसका सेट कर देना MCA, देखना उसके बाद चेंजिंग, फिर से दोनों को देखना, डाटा वही रहेगा लेकिन क्लास दोनों का क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। चलिए इसको सेव करेंगे किससे, टेस्ट क्लास STU से, Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+P.JVA Java, all file सेव, कंपाइल कीजिए, cmd cd backslash enter cd java cd bin java c, कंपाइल करो डॉट जावा को, देखो क्या गोई रह रहा है, कितना बार कोड लिखोगे देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें एरर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आ रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल शो डिटेल, शो डिटेल प्रॉब्लम आया है इसमें, शो डिटेल में और स्कैनर में, तो ठीक है शो डिटेल और स्कैनर में प्रॉब्लम आया है, तो स्कैनर का प्रॉब्लम आना ही था क्योंकि हमने इम्पोर्ट नहीं किया है यूटिल को, तो IMPORT इम्पोर्ट जावा डॉट UTIL यूटिल डॉट SCANER स्कैनर, सिर्फ स्कैनर का हमको काम था इसलिए स्कैनर को कर लिया मैंने। अब देखो शो डिटेल का स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है कहीं, देखना STU, सेट क्लास ठीक है, सेट DETAIL डिटेल, गेट डिटेल ठीक है, शो डिटेल SHOW, डिटेल ठीक है, डिटेल DETAIL, देखो स्पेलिंग गलत है, DETAIL, कंपाइलेशन के लिए अब इसको क्या करेंगे, रन करवाएंगे जावा टेस्ट क्लास। ये देखिए कहानी कहाँ है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस से चलते हैं इसको देखने के लिए, एक बार ट्राई रन हो जाएगा साथ में तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले किसके पास गया ये, इसके पास, वॉइडमैन के पास, मेन के पास जो ही आया तो कहता क्या है, BCA सेट STU सेट क्लास BCA STU.setClass BCA1, तो सेट क्लास करने गया तो चलो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि जो ही क्लास मेमोरी में लोड होगा तो ये इसकी कहानी तो हो जाएगी कि BCA1 हो गया। अब वो तो तुमको अभी कुछ दिखने वाला नहीं है। अगला क्या कहता है, STU का एक ऑब्जेक्ट बनाओ OB1, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाएगा अभी हम लोग चलो वो देख लेते हैं। MSPAINT पेंट,
का भी हम लोग मेमोरी एलोकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या बना रहा है, ये कुछ नहीं कर, अभी जो कर रहा है ये तो देखो एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट मेमोरी बन चुका है, एक एरिया इसने सबसे पहले जो डिक्लेयर किया वो बना तुम्हारे क्लास के लिए, एक एरिया बनता है किसके लिए, क्लास के लिए। इस क्लास का नाम जो है कि इसका क्या रखा गया है, इस मेमोरी का नाम, इस मेमोरी का जो नाम है वो क्लास के नाम से होगा, तो मतलब इसका जो मेमोरी है उसका नाम है एसटीयू, इट्स अ मेमोरी एसटीयू। अब एसटीयू के अंदर में क्योंकि जो उसका स्टैटिक फील्ड है वो इसी का पार्ट है, तो वो स्टैटिक फील्ड तुम्हारा इसके अंदर में है, तो उस इंटर में जो तुम बनाओगे तो एक यहाँ पर एक वेरिएबल मेमोरी बना हुआ है तुम्हारा, जिस मेमोरी का नाम क्या है, ये मेमोरी है जिस मेमोरी का नाम होगा, इस मेमोरी का नाम होगा, पहले इसका जो है छोटा कर लें, इस मेमोरी का नाम होगा क्या, आपको जो वेरिएबल बनाया है क्लास बनाया था ना CLS, CLS, तो ये है CLS, STU के अंदर एक मेमोरी बना हुआ है जिसका नाम है CLS, उस CLS में आपने सेट क्लास के जरिए, जब आपने सेट क्लास को कॉल किया है, किसको, सेट क्लास को, तो देखो सेट क्लास क्या कहता है, सेट क्लास देखो वहां कहां है सेट क्लास, सेट क्लास, सेट क्लास, सेट क्लास, क्योंकि सेट क्लास स्टैटिक है इसलिए वो क्लास के साथ कॉल हो गया, कहता है जो तुम भेजे हो CL, जो भेजे हो उसको CL में रख दो, CLS में, तो CL के जरिए हमने क्या भेजा, CL के जरिए मैंने भेजा है BCA1, तो BCA1 को जाओ उसमें जाके रख दो, कंट्रोल सी, BCA1 को जाओ उसमें जाकर के रख दो, कंट्रोल सी कंट्रोल बे, तो देखिए BCA1 आया इसमें आके रह गया, ये अगला काम है। अब अगला काम क्या कहता है, ये काम तो हो गया, अगला काम कहता है STU का OB1 इक्वल टू न्यू STU, अब एक ऑब्जेक्ट बनाओ OB1, तो एक और मेमोरी बनेगा जिसका नाम होगा OB1, तो इसका नाम बना, ये मेमोरी बना जिसका नाम है OB1, ये एक मेमोरी बनाया मैंने इसका नाम OB1, नेम ऑफ दिस मेमोरी इज OB1, इसका OB1 नाम है। अब इस OB1 का जो स्ट्रक्चर होगा मेमोरी का, सो देखो उसमें जितना चीज है सब के लिए मेमोरी वहां क्रिएट होता है, मेमोरी किसके लिए क्रिएट होगा, एक बनेगा NM के लिए, एक बनेगा ROLL रोल के लिए, बस दो के लिए, NM के लिए और ROLL रोल के लिए, तो एक बना यहां पर इसका नाम NM, ये हो गया NM मेमोरी, और एक मेमोरी बनेगा जिस मेमोरी का नाम है रोल, इसका नाम ROLL रोल, तो ये बना इसके लिए OB1 के लिए, लेकिन देखो CLS नहीं बनेगा क्योंकि CLS एक ही बार बनेगा क्योंकि वो स्टैटिक था, जब क्लास लोड हुआ उसी समय बनेगा, बाकी उसको जो है ही शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा, ये जो तुम्हारा मेमोरी है वो जो है शेयर किया जाएगा इसके द्वारा, मतलब ये इसका भी पार्ट है, बात समझ गए। तो अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया OB1, अब देखिए और कोई है क्या, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने OB1, बन गया OB1 न्यू OB से, अब कहता है OB2 बनाओ न्यू STU, इस बार जो है इसमें डाटा भरते हुए बनाना है, इस बार इसमें क्या करना है, डाटा भरते हुए बनाना है, OB2 लेना है, चलिए ठीक है, तो पहले तो मेमोरी बना ले OB2, तो वो जो OB2 बनेगा वो सेम एज ऐसा ही होगा, ये रहा आपका OB2, नेम ऑफ दिस वेरिएबल इज OB2, इसका नाम क्या हो गया OB2, लेकिन जब इसको OB2 को बना रहे हो तो किस कंस्ट्रक्टर से बना रहे हो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से बना रहे हो, तो और उसके जरिए तुमने डाटा जो भेजा है वो पहला डाटा क्या भेजा है, पहला डाटा जो भेजा है, पहला डाटा भेजा है RONAK रौनक, देखो जैसे भेजो वैसे लिखो RONAK रौनक, तुम्हार SINGH सिंह, अभी देखो उसका जो है डाटा थोड़ा सा जो है बड़ा हो गया है, लॉन इसी को छोटा कर दे, रौनक कुमार, तो ये रहा इसका डाटा। और NM में क्या रखना था, रोल में क्या रखेंगे हम लोग 43, और आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जो है क्लास नहीं बनेगा, क्लास इसी 20 मेमोरी को, इस मेमोरी को ई भी शेयर करेगा, ये इसका भी पार्ट हो गया OB1 OB2। तो देखो जो भी इंस्टेंस वेरिएबल का जो मेमोरी ब्लॉक है वो देख रहे हो ना, अलग अलग बना, ENM अलग, ये रोल अलग, किसके लिए OB1 के लिए, ENM अलग, ये रोल अलग, किसके लिए OB2 के लिए, इसमें कोई चेंजिंग करोगे तो सिर्फ इसमें चेंजिंग आएगा, इसके नेम में चेंजिंग करोगे तो सिर्फ इसमें चेंजिंग करोगे, लेकिन अगर इसमें कोई चेंजिंग किया तो इसका इंपैक्ट इस पे भी पड़ेगा, इसमें कोई चेंजिंग हुआ तो इसका इंपैक्ट
इसमें भी पड़ेगा, बात समझे? तो ये तुम्हारा मेमोरी हायरार्की हो गया। अब जब इतना हो गया तो ये वाला दोनों कंस्ट्रक्टर हो गया। अगला कहता है ओबी डॉट गेट डिटेल, ओबी वन डॉट गेट डिटेल। तो ये गेट डिटेल किसके साथ कॉल होगा? ओबी वन के साथ। किसके साथ? ओबी वन के साथ गेट डिटेल कॉल होगा। अब जो भी चेंजिंग होगी इस ओबी वन में होगी। तो गेट डिटेल क्या कर रहा है देखिए सर, गेट डिटेल क्या कर रहा है देखते हैं। गेट डिटेल स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, बना लिया, वो एक अलग मेमोरी बना लेगा पूरा फंक्शन अपने लिए, उस मेमोरी में जाएगा, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेगा, सिस्टम डॉट इन दे देगा, उसको पहले मैसेज तुमको देगा, अब इंटरव्यू रोल तुम जो ही करोगे तो कहेगा नेक्स्ट इंट, तो वहां से वैल्यू ला करके डालो। फिर जैसे अभी तुमको मैसेज आ रहा है, अभी जो तुमको अभी देखो मैसेज जो आ रहा है वहीं से आ रहा है इंटरव्यू रोल। अभी अब इसमें रोल मैंने अगर मान लो दे दिया 10, तो रोल गया इंटरव्यू नेम, नेम नहीं मांगा क्योंकि इसमें स्कैनर में जो हमने नेक्स्ट लाइन लिखा है वो फंस गया कहानी इसका, नेक्स्ट लाइन के जगह पर इसमें कुछ और होगा। अभी हम थोड़ा चेक करते हैं उसको कि नेक्स्ट लाइन के जगह पर वो क्या होता है, नेक्स्ट आई थिंक वो जो होगा ना नेक्स्ट ही होगा सिर्फ next, next, control S. अभी अब इसका नोट्स तो मेरे पास है नहीं, इसको जल्दी से एक बार हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ले लिया, ओबी डॉट नेक्स्ट ही है। इंटरव्यू नेम मैंने दे दिया इसमें, ओके तो देखिए ले लिया। तो इतना चीज करने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये सारा चीज कंप्लीट हो गया है। अब यहां पे देखते हैं, ये डाटा मांग लिया, डाटा मांगने के बाद फंक्शन का काम खत्म। तो जब डाटा मांगा फंक्शन का काम खत्म हुआ तो आगे देखो क्या दिखा, गेट डिटेल से काम खत्म हो गया, अब सो डिटेल से कर रहा है। तो जब सो डिटेल अपना काम कर रहा है, सो डिटेल अपना काम कर रहा है, तो ओबी वन का पहले डाटा दिखाएगा। देखो थोड़ा सा ओबी वन का पहले डाटा दिखाएगा, पहला क्या है ओबी वन का डाटा दिखाएगा, यहां देखिए स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि ओबी वन में ही आपने डाटा मांगा था। तो ओबी वन का डाटा है राजेश, रोल जो है इसका 12 है, क्लास जो है इसका बीसीए 1 है ओबी वन के साथ। उसके बाद एक बार अपना मेमोरी देख लें क्या, नहीं मेमोरी देखने में मेमोरी ने साइज नहीं किया। अगले बार दोबारा देखो ओबी टू का सो डिटेल, तो ओबी टू में हमने क्या रखा था, रौनक कुमार सिंह, रोल क्या था 45, क्लास क्या है बीसीए 1। ओके अगला देखिए हमने क्या कहा, ओबी टू के सेट क्लास से एमसीए कर दिया, ओबी टू में जो है सेट क्लास को कॉल किया और एमसीए कर दिया। तो देखिए सेट क्लास जो है किसको चेंज कर रहा है, सीएलएस को चेंज कर रहा है जो कि एक क्लास वेरिएबल था, तो एमसीए कर दिया। अब मतलब देखो इस मेमोरी को चेंज हो जाएगा ये बीसीए किस में, ये बीसीए चेंज हो गया किस में, ये बीसीए चेंज किस में हो गया, ये बीसीए चेंज हो गया एमसीए में। तो जब ये एमसीए में चेंज हो गया तो देखो अब अगर पूछोगे इसका क्लास कौन है तो भी एमसीए, इसका पूछोगे कौन है एमसीए तो भी एमसीए, जबकि चेंज कौन किया इसको चेंज करने वाला, जबकि वो भी टू था, बात समझ गए? इसीलिए कहते हैं ये ग्लोबल है, एक्सेस कोई कर सकता है इसको। अब देखो तुम डाटा को फिर से ओबी वन को फिर से दिखा रहे हैं, ओबी टू को फिर से दिखा रहे हैं, तो कहानी देखिएगा। ओबी वन को देखिए, इस बार भी देखिए राजेश मिला, रोल नंबर 12 मिला, क्लास लेकिन उसका एमसीए हो गया। स्टूडेंट डिटेल में रोल नेम वही मिला, रोल नंबर वही मिला, लेकिन क्लास उसका क्या हो गया एमसीए हो गया। तो बात समझ में आई कैसे हुआ, एक जगह हम जो है गेट डिटेल वाले में मांगना छोड़े हैं मेमोरी को, यहाँ पर हम गेट डिटेल में जो भी डाटा दीजिएगा गेट डिटेल के जरिए वो यहाँ डाटा आएगा, जो डाटा आप दीजिएगा, बात समझ गए, जो डाटा दीजिएगा वो यहाँ लेगा और वो वहां से दिखाई देगा। तो इसके अंतर्गत हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ लिया व्हाट इज क्लास, हमने पढ़ लिया व्हाट इज फील्ड्स, व्हाट इज मेथड, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, इतना चीजों को हमने देख लिया, स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है। तो मतलब ओवरऑल पूरा क्लास का कॉन्सेप्ट आज मेरा खत्म हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू, आप इसको कीजिए और कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो मेरे को बताइए। स्टैटिक के रिगार्डिंग एक और ब्लॉक में बनाता हूँ, अभी आपको देता हूँ, ठीक है, इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।